दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 25 अगस्त से शुरू हुए क्रम में गुरुवार को व्याख्यान का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में किया गया। व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BDPG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार दीक्षित ने गोरखपीठ एवं भारतीय योग परंपरा विषय पर छात्र-छात्राओं को नाथ पंथ एवं गुरु गोरखनाथ की योग दर्शन विषय पर विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्रा ने गोरखपुर न्यूज से बताया। बाकी को मानना क्योंकि पहुंचूंगा इसके पर श्रद्धा रखो और बिना श्रद्धा के ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का प्रसारण नहीं हो सकता है। ये तो सर्वमान्य तो चारवाकों की परंपरा आ तो नहीं एक वैदिक काल से, लेकिन वो तो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं और लोक व्यवहार में भी मान्यता प्राप्त नहीं। हम अभी थोड़ी देर में योग दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पर आएंगे। योग दर्शन की उत्पत्ति की जहां तक बात है, क्योंकि भारतीय योग परंपरा हमने उसमें जोड़ दिया है, जितने भी प्राचीन इतिहास के विद्वान मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर मुरलीधर तिवारी जी बैठे हुए हैं, प्रिय निमित्त और असुर के वध के निमित्त शिव काम के वशीभूत होते हैं, क्योंकि वह एक सुनियोजित प्रक्रिया है। मेरे कहने का यह आशय है कि योग किस तरह से प्राचीन काल से भारत में उद्गत हुआ, तो बाकी सभ्यताएं घुटने के बल चल रही होंगी उस समय हमारे यहाँ भारतीय योग की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। तमाम सारे मंत्र में आप नहीं कर पाए काल में तो सब मिलता ही मिलता है। योग की परंपरा मनुष्य जीवन में तो है ही। आप अंदाजे कीजिए, एक मधुमक्खी छत्ते से फूल तक 3700 बार यात्रा करती है एक चम्मच शहद तैयार, वह भी एक योग। जहां एकाग्र हो गया, जहां लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो गई, वह योग। और छात्र छात्रा बैठे हुए हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति सतत निष्ठावान हैं, आप अगर भौतिकता से दूर होकर के 2 घंटे 4 घंटे एकाग्रता के साथ, क्योंकि योग की परिभाषा एक जगह महाभारत शंकर ने अपने भाष्य में उद्धृत किया है, मन और इंद्रियों का एकाग्र ही परम तप है और स्वध्याय सर्वभावे। तो बाकी सभी पद्धतियों से, सभी रास्तों से, सभी विधियों से धर्म सर्व महाद्याप अगर न्याय है वो श्रेष्ठ है और वही परम तप अवग तप योग में है। मैंने प्रमाण मीमांसा की बात हल्की सी इसलिए की कि योग दर्शन है वह प्रमाणों में आगम को या योग ज्ञान को भी मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान और योग ज्ञान को मानता है। योग की सिद्धि करने के बाद जो शारीरिक और आत्मिक रोमांचित सिद्धि होती है, पर काया प्रवेश तक में व्यक्ति पहुंच जाता है, उसके शब्द का फॉलो अर्थ करते हैं, उसके शब्द को उसने जो शब्द कह दिया अर्थ उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लिया करते हैं कि एक गिलास जल दीजिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बनता है कि या तो आप एक गिलास जल लेकर के आ रहे हैं, जाने और आने की आप क्रिया कर रहे हैं, अदरवाइज आप विभूत कर रहे हैं, कुछ भी उसकी मीनिंग होती है। जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, एक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द दूसरा मिलता है वो उसका अर्थ नहीं। सपोज कीजिए एक आदमी जल का जानना चाहता बार बार पूरी दुनिया की जो भाषाएं उन भाषाओं में सहजा शब्द हो जल के लिए, तो क्या एक के बाद दूसरा शब्द आप देंगे तो समझ पाएगा? नहीं। इसी नाते मैं बता दूं कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये मेथड बीएड का है। और बच्चे को पहली बार जब कौन से कमल आप बताते हैं तो कमल आपको दिखाना, ऐसे बच्चे नहीं। तो योग की परंपरा योग ज्ञान को मान्यता दी गई और ये माना गया कि योगी साधना के बल पर जो ज्ञान होता है और जो क्रिया सब किया जाती है उसमें विश्वास किया जाना चाहिए। तो मेरे
अब तक के संबोधन का जो एक वाक्य में निष्कर्ष है वो ये कि भारत का मूल भारतत्व तो कहाँ है और भारत में योग की परंपरा कब से शुरू हुई है। गोरक्षपीठ पर हम आ रहे हैं। आप सब लोग मुझसे भी जान रहे होंगे कि इसके संस्थापक परम पूज्य योगी मत्स्येन्द्र नाथ जी माने जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि वे स्वयं बुद्ध हैं। शिव ने उनको योग का दर्शन समझाया था। गोरक्षनाथ जी उनके अनुयायी हुए, उसकी एक लंबी कहानी है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ योगी की परंपरा चल रही है। लेकिन गोरक्षपीठ को विशिष्ट इसलिए समझता हूँ क्योंकि यहाँ के योगियों ने योग दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। ये दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में महाविद्यालय का 50वां स्वर्ण जयंती सप्ताह समारोह चल रहा है और इस समारोह के चौथे दिन आज कौन सा विषय, गोरक्षपीठ एवं भारतीय योग परंपरा विषय पर प्रोफेसर विनोद कुमार दीक्षित जी का एक व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के अंतर्गत ये बताया गया कि गोरक्षनाथ, ये नाथ परंपरा का अभ्युदय कहाँ से हुआ, क्यों ये नाथ परंपरा कब अस्तित्व में आई और किस प्रकार गोरक्षपीठ जो है नाथ परंपरा के संवर्धन में, इसके परिष्कार में, इसको आगे बढ़ाने में गोरक्षनाथ परंपरा का क्या विशेष योगदान रहा है, इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और मुख्य रूप से ये विचार सामने रखा गया कि चार्वाक ऋषि के दर्शन को छोड़कर आज तक जितने भी दर्शन हमारे भारतवर्ष में हुए हैं लगभग सभी दर्शन योग की परंपरा को ही आगे लेकर बढ़े हैं और योग के माध्यम से ही समाज को कल्याण का और समाज के कल्याण का रास्ता सारे दर्शनों ने दिखाया है। तो मूल रूप से योग और हठ योग की साधना के माध्यम से नाथ पंथ अपने जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और इस दिशा में मत्स्येन्द्रनाथ जी, उनके शिष्य गुरु गोरक्षनाथ जी, उनके शिष्य महंत अवैधनाथ जी और वर्तमान समय में हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी नाथ परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और योग की परंपरा के माध्यम से समाज कल्याण के रास्ते पर, राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर ये नाथ परंपरा आज भी उसी तरीके से प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीयता की परंपरा का निर्वहन करने में, राष्ट्रीयता को उच्च स्तर तक पहुंचाने में इस नाथ परंपरा का बहुत बड़ा योगदान होगा।